हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज की जो डेट है वो 6 जनवरी 2021 है, और आज की डेट के लिए MBBS 2020-21 सेशन के लिए जो काउंसलिंग चल रही है उसके लिए क्या क्या ट्रिगर्स हैं, उन ट्रिगर्स को हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेटस चल रही है कौन कौन से स्टेट्स की। तो जब हम ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये है कि MCC मेडिकल काउंसलिंग कमिटी की स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट आज 6 जनवरी 2021 रखी गई है। एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करने से आप सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो यदि आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड अटेंड करना चाहते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, और अगर आपने एमसीसी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो आज 6 जनवरी 2021 आखिरी डेट है। आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, दैट मीन्स कि आप एमसीसी की जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सो यू हैव ओनली लास्ट चांस लेफ्ट। आपके पास ये आखिरी मौका है जब आप एमसीसी की स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और वो आज की ही दिन है जब आखिरी डेट रखी गई है। एमसीसी में जब हम बात करते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एलिजिबल रहोगे। और जब हम स्ट्रे वैकेंसी की बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे तक जाती है। काफ़ी नीचे तक जाती है, इसका मतलब ये नहीं है कि एम्स की कट ऑफ या फिर जैसे एम्स में सीटें बची हुई तो उसकी भी कट ऑफ काफ़ी नीचे तक जाएंगी, या जिपमर की सीटें बची हुई तो उसकी भी जो कट ऑफ होगी, या BHU सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, BHU हो गई, AMU हो गई, DU हो गई, उनकी भी कट ऑफ बहुत नीचे तक जाएंगी, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि ये तो टॉप के कॉलेजेस हो गए, एम्स ऑर्गेनाइजेशन हो गई या फिर जो जिपमर हो गई, ये गवर्नमेंट में भी टॉप के कॉलेजेस हैं, तो इनमें जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं ऊपर ही रहेगी। मगर अगर आप डीम्ड, अगर आपके मार्क्स कम हैं, 200 या बिलो 200 हैं, तो इन दैट केस आपके पास एक मौका अभी भी है कि आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज में आपको सीट मिल सकती है इन अ रीजनेबल प्राइस। तो अगर हम एमसीसी की बात करें और आपके मार्क्स काफ़ी कम है, 200, 250 या फिर 180, 187 इस तरीके से मार्क्स हैं, तो आपको आपके पास जो मौका है कॉलेज में सीट मिलने की वो रहेगी आपके पास डीम्ड। इस केस में अगर आपके 300, 350 भी हैं, इन दैट केस भी आपको एम्स, जिपमर या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, BHU, AMU, वो उनमें तो सीट्स नहीं मिलेंगी, मेडिकल की मैं बात कर रहा हूँ। मगर हाँ, आपके पास एक मौका है कि रिजनेबल प्राइस में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में मिल सकती है। रिजनेबल प्राइस का मतलब है रिजनेबल फीस में, जो फीस होती है कॉलेजेस की उस फीस में, या फिर थोड़ा और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की फीस होती है उस फीस में आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में मिल सकती है। ये पहली ट्रिगर है आज की। दूसरी ट्रिगर है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ये है कि वेस्ट बंगाल के लिए भी आज जो है डेट, वो स्ट्रे वैकेंसी को अटेंड करने के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट जो है वो आज ही है, 6 जनवरी 2021 ही है। अब वेस्ट बंगाल और एमसीसी की बात मैंने आपको क्यों याद दिलाई, इसका रीज़न ये है कि एमसीसी में ऑलरेडी बहुत सारे सीट्स बचे हुए हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनमें काफ़ी सीट्स बची हुई है। साथ में वेस्ट बंगाल भी आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी बहुत सारी सीटें हैं जो बची हुई है, और एक स्ट्रे वैकेंसी राउंड के नज़रिए से अगर हम देखें तो रीजनेबल फीस में वो जो सीट्स हैं वो दी जा रही हैं। तो कल, क्योंकि कल है 7 जनवरी 2021, तो 7th से लेकर के 15th तक का जो डेट है ये स्ट्रे वैकेंसी के को ऑर्गेनाइज करने का, कंडक्ट कराने की डेट रखी गई है। तो 7 से लेकर के 15 तारीख के बीच में आप यदि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो, या आप किसी और स्टेट से भी बिलोंग करते हो और आप वेस्ट बंगाल में सीट पाना चाहते हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में काफ़ी सारी सीटें अभी भी खाली है, जैसे कि गौरी देवी जैसे कॉलेजेस हैं, उन कॉलेजेस में आप विजिट करके और स्ट्रे वैकेंसी राउंड को अटेंड करके आप वहां पर एक रीजनेबल फीस में सीट पा सकते हो, तो यू हैव चांसेस। आपके पास लास्ट मौका बचा हुआ है, और इस मौके में, ये जो लास्ट मौका है आपके पास, इसमें जब आप स्टेट्स को देखते हैं कि कहाँ आपको जाना चाहिए, आपकी अगर कम मार्क्स हैं और आप ये देखते हो कि आपको कहाँ जाना चाहिए, तो उसमें एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन वेस्ट बंगाल का आता है, जहाँ पे अच्छी खासी सीटें खाली बची हुई है। और 7th से ही, मतलब कल से, आज स्ट्रे वैकेंसी के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है, कल से 7 जनवरी से लेकर के जो 15 तक है वो आपकी स्ट्रे वैकेंसी की जो काउंसलिंग है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब काउंसलिंग में आपको कॉलेज में विजिट करना है और वहां पे जाकर के काउंसलिंग को अटेंड करना है, और आप इस चीज में जितना लेट करोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स भी होती जाएंगी, क्योंकि स्ट्रे वैकेंसी राउंड
कि जो काउंसलिंग होती है वो इसी तरीके से होती है कि जो पहले जा रहे हैं तो उनको लेकर के वेस्ट बंगाल में, जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ, कि आप जितना पहले जाओगे उतना ज्यादा आपके लिए और अच्छा रहेगा। तो एक वेस्ट बंगाल स्टेट हो गई जहाँ पे काफी सीटें बची हुई है, एक एमसीसी में डीम्ड कॉलेजेस हो गए जिसमें काफी सीटें बची हुई है। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में इतनी ज्यादा एनआरआई की सीटें हैं, वो मैक्सिमम सीटें अभी भी खाली बची हुई हैं। तो एनआरआई एक की जो कर्नाटका की में जो एनआरआई की सीटें हैं वो सीटें आपको कहीं ना कहीं एनआरआई फीस से सस्ते में कम फीस में आपको मिल सकती है। तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है। साथ साथ में कुछ सीटें जो है वो राजस्थान के भी प्राइवेट कॉलेजेस में बची हुई है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि स्प्रे वैकेंसी राउंड में कौन से स्टेट में आपको जाने से रीजनेबल फीस में आपको ज्यादा कॉलेजेस के लिए, ज्यादा सीटों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। वो आपको जानना जरूरी है, और जब आप वो जानते हो और वो सोच समझ कर, वो प्लानिंग करके आप उस स्टेट की स्ट्रे वैकेंसी को अटेंड करते हो, तो आपके पास एक अच्छा मौका रहता है कि आपको रीजनेबल फीस में ढंग के कॉलेज और जो है एक अच्छी सीट आपको मिल सके। और यही रीजन है कि जिसके वजह से मुझे आपको यह बताना था कि आज 6 जनवरी 2021 के दिन वेस्ट बंगाल की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है। साथ में एमसीसी की भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी लास्ट डेट है। इन दोनों स्टेट की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, साथ में महाराष्ट्र की भी लास्ट डेट आज ही है। तो प्रोबेबली आपको करना क्या है कि आपको इसी तरीके से स्टेट्स को चेक करते रहना है कि कौन कौन से स्टेट्स में स्ट्रे वैकेंसी राउंड की क्या स्टेटस है, कौन कौन से स्टेट्स की क्या स्टेटस चल रही है और कहाँ सीटें खाली है, जिससे कि आपको कौन से स्टेट के लिए अप्रोच करना चाहिए और जिससे कि आपको एक अच्छी सीट रिजनेबल फीस में आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आप इस बात को बिल्कुल सीरियसली लेंगे, क्योंकि ये लास्ट मौका है। इसके बाद काउंसलिंग बिल्कुल खत्म हो जाएगी। 15 के बाद कोई काउंसलिंग नहीं होने वाली है। 15 इज द लास्ट डेट फॉर 2020-21 काउंसलिंग फॉर एमबीबीएस। उसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगी। तो ये जो मौका है ये आखिरी मौका है। इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अ सीट इन एमबीबीएस और बीडीएस, यू विल हैव टू बी अलर्ट फॉर द स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, और यू हैव टू लुक आफ्टर फॉर ऑल द स्टेट्स विच आर ओपन एंड विच आर गिविंग एडमिशन टू स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू अदर स्टेट ऑल्सो। तो आपको इन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर स्ट्रे वैकेंसी को लेकर के कुछ आपको सर्विसेज भी चाहिए हो, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू सो मच।